जय श्री ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वाज्यायाणं नमो लोये सर्वशाहु एष सुरासुर मनुषिन्द वंदितं दोदघायिकं ममलम् प्रणिमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मशकता। पिछला जो स्पीच था कहाँ आके पूरा हो गया तो याद है कुछ? और निश्चय तेरे सदृश प्रभु अरहंत अवस्था पाऊंगा, तो उसके लिए मुनि दीक्षा की बात चल रही है। खतरनाक आदमी तो हो तुम, तुम्हारा नाम का अनाउंस हुआ लाइट चली, तूफान आ गया एकदम, लाइट गई। ठीक है, आनंद की बात है। आइए पढ़ते हैं। अभी थोड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत विचार करना है। आज का पीरियड यदि अच्छे से समझ गए नहीं तो आपको मुनि दशा का बहुत बड़ा स्वरूप मालूम पड़ जाएगा। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताऊंगा, ऐसा मैंने कुछ नहीं बताऊंगा, इसी में जो लिखा है उसी का अर्थ करेंगे। काय के लिए समझ रहे हैं बात? अपनी मुनि दशा के लिए। एक बात, स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? अभी भजन चल रहा था, स्वाध्याय सदा करना। स्वाध्याय क्यों करना चाहिए? कि हम जो देखते हैं ना उसकी भावना भाते हैं, हम जो पढ़ते हैं उसकी भावना भाते हैं। यदि हम यहाँ पर परम वीर चक्र दिखाएं सैनिकों का, कैसे कैसे वीर हुए, ऐसा हुआ, तो आपको भी ऐसा भाव हो जाएंगे, एक 15 दिन में मुझे भी सैनिक बनना है, मैं पाकिस्तानियों को खदेड़ दूंगा, मैं भी जाऊंगा, ऐसे भाव हो जाएंगे। अब अभी अभी इस माहौल में आ गए ना तो आपको ऐसे भाव आ रहे हैं, मैं भी स्मारक जाऊंगा। अभी मुनिराजों का समूह दिख जाएगा ना तो आपको भी लगे मुझे भी दीक्षा लेकर मोक्ष जाना है, क्या रखा है विषय भोगों में। तो हम जो देखते सुनते हैं ना उसकी अभिलाषा होती है, हम ये चाहते हैं कि वो अभिलाषा सही हो, इसलिए हमको स्वाध्याय करना चाहिए। तो मैं जो प्रकरण पढ़ के सुना रहा हूँ चरणानुयोग चूली का, हम जब सही जानेंगे तो सही की भावना भाएंगे। मैं जब बहुत शुरू शुरू की बात थी तो मुझे बहुत भावना होती थी, मैं नगर दिगंबर रहूं, दीक्षा लूं, जंगल में रहूं, ऐसे बहुत भाव आते थे। लेकिन ये तो स्वाध्याय मिली ना, तो बिना सम्यक दर्शन के तो कुछ होता नहीं। तो जब हम तीर्थ यात्रा के लिए गए माउंट आबू करते करते रास्ते में, तो वहां पर बहुत जम गई ठंड थी, बहुत जम गई ठंड, और वो बंदर थे, बंदर, वो दृश्य एकदम आया, तो हमें एकदम ग्रंथों की बात याद आई। तुम यही तो चाह रहे हैं, हम नग में रह सके, ठंड सह सके, जंगल में रह सके, ओहो, और सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए नहीं किया, तो तुम्हारे जंगल में रहने की भावना पूरी हो गई, नग्न रहने की भावना पूरी हो गई, ठंड सहने की ताकत आ गई वो बंदरों को, लेकिन रत्नत्र की भावना नहीं थी, तो त्रियंश गति हो गई। उस समय दिमाग में आया, ओहो, जंगल में रहने की भावना नहीं करना है, ठंड सहने की भावना नहीं करना है, नग्न रहने की भावना नहीं करना है, हम जंगल में रह, ये नहीं, एक स्वरूप में बात करने की भावना करना है। आज की गाथा यहीं से शुरू हो रही है, 213 और 14 नंबर। पहले ही बोल दूं आपको, स्वय द्रव का जो प्रतिबंध है, प्रतिबंध शब्द लिखा, स्वय द्रव का प्रतिबंध वह ही सदुपयोग का कारण है। प्रतिबंध आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, प्रतिबंध, प्रतिबद्ध भी कह सकते हैं आप उसके लिए, और अच्छी भाषा में कहें तो तुम्हें 24 घंटे स्वय द्रव ही सूझे। गुरुदेव श्री की भाषा में बोले जरा, ज्ञायक ने सदा ऊर्ध राग जे, क्या बोले, ज्ञायक को सदा ऊर्ध रखना, उपाधेय रखना, प्रधान रखना, शुद्ध उपयोग का कारण है और कोई कारण नहीं। फिर से कहता हूं, भावुक होकर के आप जो देखोगे ना उसकी भावना बहाने लगोगे। मेरे को देख करके कई लोग बच्चे ऐसी भावना बहाते हैं, वो दिन कब आएगा जब हम भी ऐसे कपड़े पहनेंगे, वो दिन कब आएगा जब हम आप जैसी चप्पल पहनेंगे, आप जैसी सिर मुंडा लेंगे,
मैंने बेटा ये भावना कभी नहीं भाना, ये तो अनंत बार भाई है ना। अदृश्य को दृश्य कर, क्या बोल गए? अदृश्य को अव्यक्त को व्यक्त कर। तुम भगवान हो, लड़का नहीं हो। 24 घंटा लड़का देख देख के परेशान हो, भगवान हो? नहीं दिख रहा ना, उसे देखने की कोशिश करो, तुम भगवान हो। ये कहीं मेहनत करनी, और कोई चीज मेहनत नहीं करनी, एक ही मेहनत करनी है, बस काम हो जाए। क्या कह रहे हैं? स्वयं द्रव्य का प्रतिबंध, और इसी के निषेध में फिर दूसरी बात कहेंगे, पर द्रव्य का प्रतिबंध शुद्धोपयोग का घातक ही है। दो गाथाओं में दो बातें कह रहे हैं, मैं पढ़ता हूं, पहले गाथा पढ़ता हूं, न्याय तभी होगा। ध्यान से सुनना है, शांति से। अब शांत रस चलेगा। हे श्रमण जन, हे दिगंबर मुनिराज, हे श्रमण जन, अधिवास में या विवास में बसते हुए, अधिवास और विवास, सुना कभी शब्द? अधिवास और विवास, अधिवास के दो अर्थ हैं। गुरुओं के निकट रहना ये अधिवास कहलाता है, शुद्ध उपयोग में रहना, आत्म स्वरूप में रहना भी अधिवास कहलाता है। आप जैसे अध्यात्म बना ना, अध्यात्म, ऐसे अधिवास, आत्मा में मग्न रहना, ये अधिवास है। और विवास माने कभी विहार करना पड़ता है, कभी भोजन की आहार की चर्या के लिए जाना पड़ता है, कभी पठन पाठन के लिए जाना पड़ता है, कभी तीर्थ यात्रा के लिए भी जाना पड़ता है। तो विवास, विवास माने अपनी भाषा में प्रवास, अपनी भाषा में प्रवास, लेकिन यहाँ क्या लिखा उसको? विवास। क्या कह रहे हैं? हे श्रमण जन, आहा, हे मुनि भगवंता, चाहे तुम अपने स्वरूप में रहो, या गुरुओं के निकट रहो, संघों में रहो, या विहार करो, दूर रहो, कहीं रहो, तो क्या करें? प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहो। छेद, छेद मतलब टुक लो। एक बच्चे को पढ़ा रहे थे, छेद तो छेद क्या होता है? छिद्दो, छिद्दो, छिद्दो क्या होता है? टुक लो। वो छेद नहीं, शुद्ध उपयोग से नीचे आना, ये छेद है। छेद समझ गए? छेद समझ गए? आश्रम बंद होना, ये छेद है। शुभ राज आना, छेद है। अशुभ राज की बात नहीं चल रही, इसी में लिखा है बढ़िया जोरदार। अशुभ का तो मुनिराजों ने त्याग ही कर दिया। अशुभ नी तो बात ही ना, शुभ पण जैने जहर दिखाए। यहाँ तो शुभ भाव की बात चल रही, जहर दिखाई देता है। अगली गाथा पढ़ के सुनाएंगे आज, क्या कह रहे? देखो, प्रतिबंध के परिहार पूर्वक, इसका अर्थ चलेगा, प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहो, निर्दोष ही रहो, आत्मा में मग्न ही रहो। अरे तुम्हें कभी दोष ना लगे, ऐसे आनंद से रहो। तो कैसे रहें? तो 214 नंबर की गाथा में उसका उपाय बताते हैं। पहले शुद्ध उपयोग का उपाय बताते हैं। रे ज्ञान दर्शन में सदा प्रतिबंध एवं मूल गुण, रे ज्ञान दर्शन में सदा। ज्ञान दर्शन को अभेद कर दो तो ज्ञायक, ज्ञायक को सरल भाषा में कहो तो शुद्धात्मा, निज आत्मा। क्या करो? निज आत्मा में सदा प्रतिबद्ध रहो। प्रतिबद्ध रहो मतलब समझ गए? प्रतिबद्ध अभी समझाता हूँ, प्रतिबद्ध का मतलब समझो, थोड़ा सा याद रह जाए आपको। बनिया प्रॉफिट के प्रति प्रतिबद्ध रहता है, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझ में आया? बनिया प्रॉफिट के प्रति सदा प्रतिबद्ध रहता है। दृष्टांत दूं, बनिया इस ऐसी क्वालिटी के परमाणुओं से बनता है कि उसका उपयोग सदाकाल प्रॉफिट पे ही रहता है। यदि पत्नी बीमार हो जाए और दलिया खाए, वो केवल दलिया, तो बहुत खुश होता है।
150 रुपए बचे, 5 रुपया के दलिया में काम चल गया, 2 रुपया के दलिया में आज यदि 200 रुपए का खाती तो देखो बनिया के ऐसे दिमाग चलता है। घर में मेहमान आए लेकिन उनका उपवास था एकदम चलो तब कचरी बनाने, पूड़ी वूड़ी नहीं बनाने पड़ेगी, रस पूड़ी का हलवा कचरी बनाने पड़ेगा, बढ़िया ये भगवान उपवास ऐसे ही बनो रहे अब कल्पना करो तुम्हारे घर में कोई मेहमान आ जाए, मेहमान और उन्हें 10 दिन तक तुम्हें किराए की कार लेके घुमाना पड़े, खिलाना पड़े, पिलाना पड़े, पिक्चर दिखाना पड़े, टॉकीज में ले जाना पड़े, सब जगह करना पड़े, तो तुम्हें कैसा लगता है? क्यों अब काय की तकलीफ हो रही है? 10,000 निपट गए, अब तो समझ आ गए, मैंने वो प्रॉफिट के प्रति प्रतिबद्ध है। यदि उसे सागर जाना हो और यहां खड़े थे बाहर, इतने में एक कार निकली बाहर, अरे तुम कैसे खड़े? सागर जा रहे हैं। अरे हम भी सागर ही जा रहे हैं, जगह है बैठ जाओ। बैठते समय नहीं सुनते ही बैठ जाओ। जो पहला आनंद आया वो इस बात का आया 200 रुपए बचे। अब तो समझ गए गाय को सदा उर्द कैसे रखना है। आहा दिगंबर मुनिराज आहार करें तो भी गाय को ही जानते हैं, विहार करें तो भी गाय का ही अनुभव करते हैं, उठते बैठते सहन करते निद्रा में भी एक ज्ञाय 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 सदा उर्द रखते। भाई ऐसे उर्द रखना है सरल है, अब कठिन थोड़ी है। जिसको सीए बनना होता है उसका 24 घंटे सीए में ही डूबा रहता है, जिसको अभी स्मारक में पढ़ने जाना होगा उसको 24 घंटे क्या लग रहा है? किसी को देख करके अभी जैसे एक प्रवचन कर रहे थे, प्रवचन मैंने स्पीच दे रहे थे खड़े खड़े, मैंने वो दे रहे थे ना स्टाइल उनकी दूसरी है, तो ऐसे कर रहे थे, तो तुम्हें क्या लग रहा होगा? ऐसे ही बनूंगा मम्मी एक दिन में भी स्मारक से पढ़ के ऐसे ही स्पीच दूंगा, फिर मेरी पिक्चर भी पीछे पढ़ते पे दिखाई जाएगी, फिर मेरे प्रवचन भी यूट्यूब पे जाएंगे, कितने सपने आने लगते बोला। मैंने सदा काल जिसका जो मिशन बन जाता है ना विजन, वो उर्द हो जाता है। अब यहाँ क्या कह रहे हैं, जिन्हें शब्दोपयोग करना हो उन्हें एक तरकाली गाय के सिवा और कुछ नहीं दिखना चाहिए, तो उनका शब्दोपयोग होता है। और जो परद्रव के प्रतिबंध में पड़ जाते हैं, वे आश्रय बंध में पड़ जाते हैं, उनके शब्दोपयोग का घात हो जाता है। अब इतनी बात बताने के लिए आगे की जी दो गाथा जी और दो आगे की और है, और अभी चलेंगी कंटिन्यू थोड़ी आगे तक, बहुत जम के ऑपरेशन होने वाला है। MRI दिखाने, MRI तो समझते हैं, MRI रिपोर्ट होने वाली है बहुत अच्छे से। अब तो समझो, अब तो प्रतिबद्ध समझ गए, 24 घंटे एक ध्रुव ग्राहक सिवा और कुछ न दिखाई दे, क्या करते होंगे जंगलों में दिगंबर मुनिराज? करना क्या है एक बार बताओ। किसी दरिद्र व्यक्ति को जंगल में दरिद्र बेचारा, फटे पुराने कपड़े हैं और उसको चिंतामणि मिल जाए, बताओ रात कैसे बीतेगी बेचारे की? क्या कह रहे हो? उस बेचारे की रात कैसे बीतेगी जी बताओ? चूल्हे में जा जो हम तो घर जा रहे, ऐसे करे। अरे चिंतामणि मिली है, चिंतामणि आज अब मम्मी पापा नहीं मिल रहे, घर नहीं मिल रहा, फला फला सुविधा नहीं मिल रही, उसे आनंद नहीं आएगा ना? कहाँ सोए कहाँ बैठे, जैसे तो भगवान झोपड़ी दे दे, तो ये कम से कम पैंटी मिल जाती, पैंटी पैंट नहीं तो ऐसा सोचेगा। अरे वो चिंतामणि मिली है, अब मच्छर झूम रहे हैं लेकिन वो इसका आनंद आ रहा है, मच्छर नहीं दिख रहे उसे, इसे चिंतामणि का आनंद आ रहा है, मच्छर नहीं दिख रहे, पत्नी नहीं दिख रही, बच्चे नहीं दिख रहे, कुछ नहीं दिख रहे। अरे होगा मेरा प्रथम प्रभात, क्या है वो? अरे तेरी सुख सैया बीज होगा मेरा प्रथम प्रभात। अब ऐसे मजा आ रहा है, रात में नींद आएगी कि नहीं आएगी? एक तो मच्छर नहीं सोने देंगे, दूसरा चिंतामणि का आनंद नहीं सोने देगा। दो बातें कहेंगे, क्या कहेगा? एक तो बताओ मच्छर झूमेंगे सब भी नहीं सोने देंगे, अब मजा कहां आ रहा है बोला। अब हम तुमसे पूछ रहे, तुम्हें चिंतामणि फेंक दो तो मच्छर भी चले जाएंगे, और चिंतामणि हाथ में रहेगी तो मच्छर भी काटेंगे, बोलो क्या करना है? बोलो भैया ऑप्शन, काटेंगे? अरे हम अनंत काल नहीं काटेंगे, कल से ये मच्छरदानी में चले जाएंगे
माने हम सदुपयोग में जाके सुरक्षित हो गए माने मच्छरदानी, सदुपयोग में चले जाएंगे एक ध्रुव गया 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 ऊर्ध होता है मच्छर पच्छर नहीं दिखते, तुम्हें नहीं दिख रहे तो उन्हें कहा दिखेंगे, जब तुम्हें ही नहीं दिख रहे अभी तुम्हें नहीं दिख रहे बोलो। ऐसे वो चैतन्य का निधान चिंतामणि चिन्ह मात्र चिंतामणि रे से यशमान ज्ञानी कि मन्यस परिग्रहण। ऐसे अमृत पीते हैं या एव साक्षात अमृतम पिवंती। तो आ गया ठीक है, अब अगले पढ़ ले। इसमें जितनी डिटेल लिखी है मैं उसे अगले पैराग्राफ में समझाऊं कि नहीं यही समझा दे, चलो थोड़ा सा समझ लो यही सुनो। हालांकि आपके हाथ में ग्रंथ इसमें तो इसमें भी ग्रंथ नहीं ना, चलो यहीं से पढ़ाता हूं। तो जो मैंने पढ़ के समझा दी वो समझ लेना, मैं देखता हूं कुछ और नई बात आ रही हो इसमें तो, और नहीं आ रही तो अब आगे अब पढ़ लेना इसमें से। एक चीज पढ़ा रहा हूं इसमें, मुनिराज गुरु के पास जितने शास्त्र हों उन्हें पढ़कर, माने मुनिराज आचार्यों से अपने गुरुओं से पढ़कर, फिर और पढ़ना हो तो गुरु की आज्ञा लेकर समा सुनना सभी लोग रुक गया। दिगंबर मुनिराज किस प्रकार से विहार करते हैं, उस विहार का नियम क्या है, फिर से बोलूं, दिगंबर मुनिराज अपने संग को छोड़कर जब कभी जाते हैं विहार करते हैं तो उसका नियम क्या है, वो ये है देखो, गुरु से आज्ञा लेकर, नंबर वन बिना गुरु की आज्ञा के नहीं, बिना गुरु को पूछे नहीं, ऐसे नहीं चुपचाप भाई भाई ऐसे नहीं, गुरु की आज्ञा लेकर नंबर वन। नंबर टू समान सील वाली, अब इसका भाव बहुत है, समान सील वाली, समान सील वाली मतलब 24,000 मुनिराज हैं वे समान सील वाले नहीं है क्या अनिल, समान सील वाले नहीं है तो समान सील का क्या मतलब, एक जैसे दिगंबर मुनिराज है सील का क्या मतलब, किसना जिन्हें अध्यात्म का बहुत रस है ऐसे समान सील वाले, जिन्हें भक्ति का बहुत रस है वे समान सील वाले, जिन्हें बहुत उपवास करने की आदत है रुचि है वे समान सील वाले, सील समझ गए, सबका अलग अलग होता है एक सा नहीं होता, सभी अध्यात्म के प्रवक्ता नहीं होते, टीका करने वालों को टीका करने वाले अच्छे लगते हैं, प्रवचन करने वालों को प्रवचन करने वाले अच्छे लगते हैं, व्रत उपवास करने वालों को व्रत उपवास करने वाले अच्छे लगते हैं, नेचुरल लगते तो समान सील वाले, और नहीं तो मालूम क्या होगा कि इन्हें तो खूब 8 घंटा पढ़ाई करना है और उन्हें पढ़ने नहीं उन्हें भक्ति करना है, तो फिर इन दोनों की बनेगी नहीं इसलिए लिखा है समान सील वाले। आए समझ में, आगे चलें। नंबर वन समान सील, नंबर टू समान सील वाले तपस्वियों के साथ, नंबर तीन बहुत सुंदर सुंदर शब्द है, भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से, भावना माने पर्णमन, भावना माने पर्णमन कहलाता है, भावना का मतलब होता है पर्णमन, कैसा भेद और अभेद, भेद और अभेद, अभेद मतलब आत्मा में मग्न हो जाना ये अभेद रत्नत्रय, और देव सास गुरु का विकल्प आना ये भेद रत्नत्रय, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चाहे तीन का विकल्प आना तीन का विचार आना ये भेद, भेद समझ गए, तीन भेद कर दिए, और नहीं तो अभेद रत्न उसकी भावना क्या मतलब, अंतर में मग्न रहना चाहते हैं और जब अंतर में मग्न नहीं रह पाए तो देह सास गुरु की सीमा से बाहर नहीं जाना चाहते, इसका नाम है भेदा भेद रत्न त्रय की भावना से। आगे बहुत बढ़िया शब्द है, बहुत बढ़िया शब्द है, आप लोग बोलोगे तो मजा आएगा, आप लोग बोलोगे बोलवा, भव्यों को आनंद उत्पन्न करते हुए, बोलो बोले नहीं आप लोग, भव्यों को ऐसे नहीं ओ अब जी आ गए अब कहा करें व्यवस्था करने पड़ेगी अब कहा इनको करवाए कहा करें ऐसे नहीं, अरे मुख चंद्र ते अमृत झरे, यदि ऐसे नहीं हुए तो उन्हें संघ से नहीं जाने देते, अकेले नहीं जाने देते, क्यों कि आपको संघ के बीच में रहोगे तो सुरक्षित रहोगे, ऐसे जाओगे
श्रावक आपको देख के प्रसन्न नहीं होंगे, आपकी आहारचर्या बिगड़ेगी, स्वास्थ्यचर्या बिगड़ेगी, पठन पाठन की चर्या बिगड़ेगी, नियम खंडित होंगे। ये आचार बहुत ध्यान रखते हैं। तो काय बात का ध्यान रखते हैं, भव्यों को आनंद उत्पन्न करते हुए, माने स्वयं को भगवान आत्मा देखते और दिखाते हुए, रत्नत्रय का मार्ग बताते हुए विहार करते हैं। आगे 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 तप श्रोत सत्व एकत्व और संतोष रूप पांच भावनाओं को भाते हुए। आपको पता है कभी आप अकेले जाओ तो कैसा लगता है, क्यों कभी मम्मी पापा के साथ तीर्थ यात्रा में जाओ तो कैसा लगता है, सोच लो कैसा लगता है। अब तुम अकेले जाओ चार दोस्तों के साथ तो कैसा लगता है, अरे होटल में खाएंगे चलो मजा आ जाएगा, अब कौन कोई टोकने वाला, अब तो कहीं भी खाएंगे, अपन आराम से सोएंगे 10 बजे उठेंगे। क्या मतलब, अकेले में विकल्प टूट अन्य प्रकार के होते हैं। यहाँ क्या कह रहे हैं, विहार करते समय भी तप की भावना, इच्छाओं के विजय की भावना आया आ रहा ग्रंथ हमारे ऊपर, बहुत बढ़िया पढ़ते जाओ। बहुत संतोष रूप पांच भावनाओं को भाते हुए, एकत्व की भावना भाते हुए, देह से विभक्त की भावना भाते हुए, समझ में आया नहीं आया। दो मुंजाज एक इस जंगल में विहार करते करते विराजे, अब दोनों ध्यान में निमग्न हो गए सामायिक में। इतने में एक शेर आया और एक मुंजाज को खाने लगा, तो जी मुंजाज क्या करेंगे, एकत्व की भावना भाए कि इनका शेर भगाए, बोलो क्या करेंगे। पढ़ा चुका हूँ कल परसों के दिन, बताया था एकत्व की भावना भा रहे, उन्हें ऐसा भी नहीं लग रहा है इन्हें कोई संकट आ गया, उन्हें क्यों, देश के संकट को आत्मा का संकट नहीं मानते ज्ञानी, देश जाए तो चली जाए खतरा नहीं मानते, हमें देश से मोह है उन्हें नहीं है। वे ऐसे मुस्कुरा रहे, दुखी तक नहीं हुए, ऐसे भी नहीं देख रहे, अब हम मोनी हम क्या करें, भगा भी नहीं सकते, नमो नियंत्रण में पारसनाथ हमसे तो देखो नहीं जा रहे, खा रहे देखो कुछ नहीं, मुस्कुरा रहे हैं, क्यों एकत्व का अभ्यास है, इनकी एकत्व का भी आनंद आ रहा है, अपने एकत्व का भी आनंद आ रहा है, चेहरा नहीं बिगड़ता, भगवान से डिमांड नहीं कर रहे इनका शेर भाग जाए, बिल्कुल नहीं भागे, हमारी तो एक ही भावना है, भावना भी है ना विकल्प, तो क्या इस समय, हाँ बोलो, जैसे नकुल सहदेव ने सोचा था, क्या सोचा था, ये अपना उपयोग आत्मा में मग्न रखें, इस देह का में एकत्र न करें, देह का लक्ष्य नहीं करें, इनका हित होगा, यदि भावना भी होगी तो इतनी होगी, लेकिन शेर भगाने की भावना नहीं होगी। समझ में आ रहा है, कुछ कितना बड़ा पुरुषार्थ है, अभी इसके ऊपर बिच्छू, बिच्छू तो बहुत छोटी बात है, झिंगूर, झिंगूर भी बहुत छोटी बात है, एक कीड़ा उड़ता उड़ता बैठ जाए ना तो अपन एकदम इसको उड़ा देने लगे, लेकिन धन्य दिगंबर मुनिराजों की अद्भुत दशा। आगे पढ़ो, पांच भावनाओं को भाते हुए और क्या करते हुए, तीर्थंकर परम देव गणधर देव आदि महापुरुषों के चरित्रों को स्वयं भाते हुए, दूसरों को बताते हुए विहार करते हैं। इतना पैराग्राफ मुझे ऐसा लगता है मंदिरों में लिख देना चाहिए, मुनिराजों की विहार चर्या का नियम, ऐसे विहार करना चाहिए, कैसे करना चाहिए पढ़ो फिर से, तीर्थंकर परम देव गणधर देव आदि महापुरुषों के चरित्रों को स्वयं भाते हुए, ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, जी आप पढ़ा देना, आपकी वीर रस में मजा आएगा। मान लीजिए कैसे पढ़ाएंगे, जैसे कोई LIC का एजेंट LIC की ड्रेस पहन करके जाता है तो कैसे जाता है, LIC कंपनी, कौन सी कंपनी, मारुति, ऑडी कंपनी का वो हूँ कौन डीलर, जो भी कुछ फ्रेंचाइजी, ऐसे तो उसकी उसकी ताकत कैसी होती है, अंदर किसी कार का वो मैंने जा रहा है एजेंट, कैसे जाता है, हाथ मिलाता है तो कैसे मिलाता है, पीछे पूरा का पूरा, पूरा का पूरा कलेक्टर से हाथ मिलाना पड़े, ऑफिसर से हाथ मिलाना पड़े, कमिश्नर से हाथ मिलाना पड़े, बिल्कुल बेधड़क तुम ओडी कंपनी की तरफ से आओ, कैसे मिलाओगे, ओके सर, ओके कहा, यहां से बोलोगे, तुमको ऐसा नहीं लग रहा मैं गरीब आदमी हूं, मैं भेलसा को हूं, खाए ये भी भेलसा के ना, तुम भेलसा के ऐसा नहीं होता, ऐसी ताकत, ताकत का ही आई, ऐसे ही मैं गणधरों का मार्ग में चल रहा हूं, तीर्थंकरों के मार्ग में चल रहा हूं, तुम कौन के प्रवचन करने जाते हो,
क्या कौन की पढ़ाई पढ़ने जा रहे हो? दुनिया की सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो, तीर्थंकरों का मार, अरहंतों का मार, गणधरों का मार। अभी अपन क्या हम इस मारक के डुड्डू, अब नया नाम निकाल दिया डुड्डू, अब जो समझो तुम जाना है गुड्डू नहीं कह रहे हम तुमसे। अरे ताकत आनी चाहिए, तीर्थंकरों के मार की प्रभावना करते हुए जा रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं भाई साहब? जो लड़के वो IIM करते हैं ना, MTech, BTech, अब उनकी नजरों में वो बड़ी डिग्री रहती है, तो दो बटन खोल ली, I am student of MTech, BTech, पढ़ना टेक। अरे भैया घुटना टेक रहा है तू सारी पढ़ाई घुटना टेक है एक ये पढ़ाई है थी तीर्थंकर, कितनी बढ़िया भाषा लिखी, तीर्थंकर परम देव गणधर देव आदि महापुरुषों के चरित्रों को स्वयं भाते हुए उनके मार्ग में जा रहे हैं। जिसके लिए पूर्व अवसर चौथी पंक्ति लिखी, क्या लिखी है? बिचरूंगा मैं महत पुरुष के पंथ जब अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। ऐसी ताकत के साथ सोचो, इस सोचते हुए देखो विचार कर रहे, भाते हुए दूसरों को बताते हुए, दूसरों को बताते हुए। एक कौन का नाम बता रहे? तीर्थंकरों गणधरों का, छोटा मोटा नाम नहीं बता रहे, तीर्थंकरों गणधर उनका नाम बताते हुए विहार करते हैं। उस समय वे अपने स्वरूप में सावधान रहते हैं, तो वे परद्रव के प्रतिबंध नहीं करते। अब कौन कौन सा प्रतिबंध नहीं करते उसके लिए चलो एक पैराग्राफ और पढ़ लो, इसमें नीचे जरा है इसे तात्पर्य यह है, पढ़ लेना भैया अकेले बैठ के, मेरे टाइम नहीं, नहीं पढ़ाता पूरा। तात्पर्य यह है कि पर पदार्थों से किसी प्रकार का राग या संसर्ग उनके मुनित्व को, उनके मुनिपने को, उनके श्रामण्य को खंडित नहीं कर पाता। कैसे नहीं कर पाता, इसका खुलासा आएगा अभी। क्या बोला हमने? उनके मुनित्व को खंडित नहीं कर पाता। क्या मतलब? वे अतः वे उन्हें दूर, उन्हें उनसे पूरी तरह दूर ही रहना चाहिए। मूलता तो मुनिराज शुद्धोपयोगी ही होते हैं, मिल रहे हैं, किंतु प्रमत्त व्रत नामक छठवें गुणस्थान में आने पर वे शुभोपयोग में आ जाते हैं, अतः उनके जीवन में शुभराग भी देखने में आता है। किंतु वह शुभराग 28 मूल गुणों की सावधानी पूर्वक पालने, जिनागम की गहराई से अध्ययन करने कराने, उपदेश देने, तत्व चर्चा करने तक ही सीमित रहता है और रहना चाहिए, अन्यथा शुद्धोपयोग अर्थात श्रामण्य खंडित हो जाता है, खंडित हुए बिना नहीं रहेगा। फिर अंतिम डेढ़ पंक्ति और ढाई पंक्ति, जिन मंदिर निर्माण, पंच कल्याणक महोत्सव आदि गृहस्थोचित कार्यों में, कौन के योग्य हैं ये सब काम? गृहस्थोचित काम है, गृहस्थोचित कार्यों में मन वचन काय और कृत कार्य अनुमोदना से अपने चित्त को रंजायमान करना, हाँ श्रामण्य को खंडित करने वाला है। जो शुद्धोपयोगी होंगे वे इन कामों में नहीं पड़ पाएंगे, जो आत्मा में रमने वाले होंगे क्षण क्षण में रमना चाहते हैं वे नहीं चक्कर में पड़ सकते, वे नहीं पढ़ सकते। आगे देखो, अगला देखो, अब अगली गाथा पढ़ रहे हैं। तो अभी परद्रव का प्रतिबंध नहीं करते ये समझाना है, जो अभी कह के आए ना परद्रव के प्रतिबंध में नहीं पढ़ना चाहिए उसकी डिटेल आ रही है। अब जे दो में निकाल लीजिए अगली गाथा 215-216, बस इतना ही चलेगा आज। आवास में उपवास में आहार भी कसा उपाधि में श्रमण, आप लोग जग रहे हैं कि नहीं जग रहे हो? थोड़े हिलना जा रहे इधर उधर, सीधे बैठे ऐसे 5 मिनट के लिए पद्मासन बैठ जाओ जल्दी से, और जो दिखाई दे रहा है उसे पढ़ो मेरे साथ एक साथ। जिनको नींद आ रही है तो चले जाओ, नहीं तो हम तकिया यहीं मंगवाएंगे। फिर अच्छे से बैठ जा, पड़ेगा बीच में गैप में बैठे आगे आ जा, तुम लोग बेटे इधर आओ मेरे सामने, ये प्यारा बच्चा आगे, मैं तेरे को ढूंढ रहा था कहाँ गए तो, ये हमारा पुराना बच्चा है, बहुत बहुत बढ़िया जोरदार, ठीक है चलूं आगे। अब मेरे साथ गाओ जरा, बहुत प्यारी, अब अंतिम में बस छोड़ दूंगा आपको। आवास में
उपवास में आहार बिकता उपधि में श्रमण जनवा बिहार में प्रतिबंध न चाहे श्रमण प्रतिबंध न चाहे श्रमण शयन आसन खड़े रहना गमन आदिक क्रिया में यदि आयत नाचार है तो सदा हिंसा जानना। अब इसमें कौन सी ऐसी बात है जो बहुत गहरी है, इसमें एक एक शब्द जरा ध्यान से सुनना। दिगंबर मुनि भगवंत परद्रव्य का प्रतिबंध नहीं चाहते, काय में नहीं चाहते। नंबर एक मुनिराज आहार में, आहार में मुनिराज प्रतिबंध नहीं चाहते। प्रतिबंध क्या होता है, प्रतिबंध क्या होता है, अपन तो प्रतिबंध को खराब समझते हैं। यहाँ कह रहे प्रतिबंध नहीं चाहते माने स्वच्छंद होना चाहते होंगे, कोई प्रतिबंध नहीं आहार में हमारे पास, हम कहीं खाएं, ये अर्थ नहीं है इसका। आहार का प्रतिबंध नहीं है तो क्या मतलब निकला, यही खाना पड़ेगा ये प्रतिबंध नहीं, ऐसा नहीं अर्थ है। सुना आहार इसी घर में लेंगे, इतने बजे ही लेंगे, इनसे लेंगे, जे नहीं देंगे तो नहीं लेंगे, इन्हें देना ही पड़ेगा नहीं तो हम तब तक आहार नहीं लेंगे, ये प्रतिबंध नहीं है। महलों में ही लेंगे, किसी झोपड़पट्टी में लेंगे, ये है प्रतिबंध। मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा, मीना रही नहीं, ध्यान से सुनना सभी लोग, सरल दृष्टांत दे रहा हूं। आपको पता है दुनिया में प्रतिबंध का दुख होता है, यदि तुम सेट कर लो कल 10 बजे भोजन करना है, आप अभी से आकुलता शुरू हो जाएगी, मंदिर में भी नहीं बैठ पाओगे, 10 बजे लेना करेक्ट 10 बजे, करेक्ट 10 बजे, एक सेकंड आगे भी नहीं, एक सेकंड पीछे भी नहीं, कितनी आकुलता होगी। ये है प्रतिबंध का दुख। अब तुम ये सेट कर लोगे, ये वाली जो डिश है ना, ये वाली डिश 1000 थालियों में से इसी में खाऊंगा, अब तुम अभी से दुखी हो जाओगे, कोई ले नहीं जाए, हमारी निकाल के रख देना, इतने मिक्स नहीं हो जाए, ये छोटा पप्पू नहीं ले जाए, हर कोई ना ले जाए, आप अब भी से दुखी हो जाओगे। प्रतिबंध का तो समझ जाएगी आपको, इसी डिश में खाऊंगा तो आप परेशान रहो, कल मैं तुअर की दाल ही खाऊंगा, अब आप सोच के परेशान हो जाओ नहीं बनी तो कितने परेशानी, समझ में आई कुछ आपको। धन्य है दिगंबर मुनिराज का सदुपयोग और उसके लिए बहिरंग का विकल्प कि वे आहार का विकल्प में प्रतिबंधित नहीं है। आप हमसे पूछो कल आप भोजन लोगे कि नहीं लोगे, मुनिराज से पूछो कल आप आहार लेंगे कि नहीं लेंगे, मुनिराज कहेंगे हम नहीं बता सकते, तस समय की योग्यता, तस समय का विकल्प हो नहीं हो, आज हम कहते हैं लेंगे और कल ना लें तो बोलो। अभी आप हमसे कहो पंडित अगले साल आपको हमारे यहां जरूर पधारना है, अब हम बन गए, अब हम सोचते रहेंगे वो महीना तो हम क्या जाना है, उतने दिन तो वहां जाना है, उतने दिन तो वहां जाना है, उतने दिन तो वहां जाना है, और एंड टाइम पे तो बीमार हो गए, अब हमारी साल भर की टेंशन खत्म हो गई, बेकार चली गई। प्रतिबंध का दुख समझ आया, देखो भाई हमें पंडित साहब हैं आज तक प्रतिबंध नहीं मानते, आप कभी चले जाओ उनके पास, कभी पंडित साहब का धारणा है आपको, हाँ योग बनेगा तो देखेंगे। उत्तर क्या दिया, योग बनना चाहिए, हमें कोई मना थोड़ी, आप पूरे देश के लोग पहुंच जाओ साहब हमें पधारो, एक ही उत्तर देंगे योग बनेगा अवश्य आएगी, हमें किसी से राग द्वेष नहीं, योग नहीं बनेगा तो हम कुछ नहीं करते, यह है शानदार उत्तर। प्रतिबंध का दुख देखना है तो प्रथमान योग में देख लेना, केकई को प्रतिबंध दे दिया बर फिर कितनी बड़ी रामायण खड़ी हो गई, बर समझ गए, बर प्रतिबंध है वो। आहार दिगंबर मुनिराज कहते हैं आहार में प्रतिबंध नहीं है, आहार का प्रतिबंध समझ गए, तब समय जो विकल्प होगा नवदा भक्ति होगी, कहाँ आहार होगा हमें कोई विकल्प नहीं, और जो विकल्प कर लेंगे वे परेशान हो जाएंगे। अभी बता दीजिए दर्शन आगे देखो, बिहार में, बिहार में समझ गए, कल 9:10 पर निकलेंगे, अब आप परेशान हो जाओगे, आप कल कब बिहार होगा हमें नहीं मालूम,
होगा कि नहीं होगा ये भी नहीं मालूम। कई बार ऐसा होता है कि बिहार अचानक हो जाता है सब लोगों के, हमें तो पता ही नहीं था। पता इसलिए नहीं होता क्योंकि वो पहले से सेट हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता कोई बताएगा? सेट क्यों नहीं हो सकता? नहीं प्रतिबंध तो नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ प्रतिबंध? क्यों नहीं? हाँ अभी पहली गाथा क्या चली थी कि स्वरूप निज द्रव्य स्वयं द्रव के प्रति वो प्रतिबंधित है, उन्हें त्रिकाली ज्ञायक ही ऊर्ध है, वे आर के समय भी बिहार के समय भी उन्हें शुद्धोपयोग ही प्रधान है। इसीलिए यदि भाई जब बिहार का टाइम आ गया तो घड़ी देखें शुद्धोपयोग करें, शुद्धोपयोग करने में विराज गए, नहीं गए तो नहीं गए। इसे आप फिर वहां नहीं पहुंच पाएंगे 15 किलोमीटर दूर, नहीं पहुंचेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। बिहार का प्रतिबंध नहीं आया आज इस गांव में, फिर 15 किलोमीटर दूर उधर जाना है कि नहीं? 15 किलोमीटर दूर छोड़, 1 किलोमीटर का भी निर्णय नहीं है कि जाना है। बिहार करते करते कोई अच्छा मनोरम स्थान दिखाई दिया, गुफा दिखाई दी, वृक्ष दिखाई दिया, नदी का सरोवर किनारे दिखाई दिया, एकांत मन हो गया, आ चलो बैठो, बैठ गए और सूर्यास्त हो गया, वो जान दे हम जंगल में बैठे क्यों? ए हम शरीर के लिए प्रतिबंधित नहीं है। अपन काय का डर लगता है जंगल में? बेअंतर आ गए तो, शेर आ गया तो, मर गए तो, ये है प्रतिबंध। दिगंबर मुनिराजों को शरीर का प्रतिबंध ना होने से, किसी गांव का प्रतिबंध ना होने से, अमुक जगह जाना है, अमुक धर्मशाला में ठहरना है, अमुक विद्यालय में ठहरना है, ये प्रतिबंध ना होने से, पॉइंट पकड़ो, शरीर का ही प्रतिबंध ना होने से, मूल बात है शरीर का ही प्रतिबंध ना होने से बिहार कर देते हैं। और शाम हो गई, शाम का टाइम ये नहीं लगता अब कहाँ ठहरेंगे, कहाँ रात बीतेगी, कहाँ धर्म कोई व्यवस्था नहीं करी, कहाँ श्रावक, श्रावक की याद आ जाए तो प्रतिबद्ध हो गए, व्यवस्थापक को भी याद आ जाए तो प्रतिबद्ध हो गए, कहाँ गए अभी तक नहीं आए, कोई को भक्ति नहीं है, कहाँ चले गए सब, ये प्रतिबंध हो गया। फिर से बोल रहा हूँ, फिर से, जिन्हें शरीर का ही प्रतिबंध नहीं है, देह रहे चाहे चली जाए, फिर आए चाहे व्यंतर आ जाए, उनके लिए बात चल रही है। बहुत बहुत अब समझ रहे गरिष्ठ, ये गरिष्ठ गाता है इसलिए। आगे चलो, बिहार में आवास में उपवास में, उपवास में नहीं उपवास, आज क्या है 14, अरे चलो उपवास कर ले, इसलिए उपवास नहीं करते 14 से, अरे सब लोग इतने उपवास कर रहे अपन भी कर लो, इसलिए नहीं करते। प्रदर्शन के लिए उपवास नहीं करते, केवल एक ही टारगेट चल रहा है, क्या शब्द लिया था मैंने, वो स्वयं द्रव्य के प्रति प्रतिबद्ध या प्रतिबंध, आत्म स्वरूप में मग्न रहना चाहते हैं और दूसरा कोई काम नहीं है, चाहे वो आवास हो, प्रवास हो, उपवास हो, उपाधि परिग्रह में, अगला शब्द है अन्य मुनिराजों में, अन्य मुनिराजों में, अन्य मुनिराजों में क्या मतलब? हम इनसे बात नहीं करेंगे, नहीं इनके संग जाएंगे, इनके संग जाएंगे, ये भी प्रतिबंध है। हम किसी भी दिगंबर मुनिराज के साथ शयन कर सकते हैं, उठ सकते हैं, वैयावृत्ति कर सकते हैं, इनकी सेवा नहीं करेंगे, इनकी कर देंगे, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। सब किसी की भी करवा लो आप, किसी की भी सेवा समाधि के लिए तैयार। अभी ऐसा होता है ना बेटे, उधर काम करने चले जाओ, एक लड़के को साथ ले जाओ तो किसे ले जाओगे? जो तुम्हारा फ्रेंड होगा, जो तुम्हें अच्छा लगता होगा। मुनिराजों के लिए कोई प्रतिबंध नहीं, ऐसा मुनिराजों में। आगे क्या लिख रहे हैं, एक बहुत सभी लोग ध्यान से सुनना, एक शब्द अथवा बीकथा, बीकथा समझते हो? यहाँ बीकथा का अर्थ क्या है जो मुझे जरूर पढ़ाना है, बीकथा का मतलब क्या लिखा जाए? बीकथा तो बहुत खराब चीज होती है, लेकिन दिगंबर मुनिराज क्या लिख रहे हैं यहाँ? शुद्धात्मा की चर्चा भी जिन्हें बीकथा है। क्या 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 कह रहे? जोर से बोलने, देखो देखो इसी में लिखा है, इसी में पढ़ो, सबसे नीचे पंक्ति है, सबसे नीचे 7वें नंबर में, शब्द रूप पुद्गलों के संबंध से जिसमें चेतन रूप भित्ति, चेतन रूप भित्ति, चेतन रूप शरीर, चेतन रूप आत्मा के प्रदेश भाग मलिन होता है। देखो देखो ऐसा क्या लिखा, पढ़ो, ऐसा नहीं है, ऐसा ऐसी शुद्धात्म द्रव्य विरुद्ध कथा
में भी मुनिराजों के लिए प्रतिबंध निषिद्ध है। तात्पर्य है कि इनके संबंध में किए जाने वाले विकल्पों से भी चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। यहां पर दूसरा अर्थ आ गया, मैंने जो बोला था वो अलग है थोड़ा सा। शुद्धात्म द्रव्य विरुद्ध, माने शुद्धात्मा के सिवा गुणस्थान की चर्चा, मार्ग स्थान की चर्चा, आत्मा से दूर जाने वाली चर्चा, शुद्धात्मा से विरुद्ध कथा, उसका नाम भी कथा लिख रहे। और यदि आपको थोड़ा नियम सहज की याद आती हो, नियम सहज वहां लिखा है, ओ वे दिगंबर मुनिराज यदि द्रवगुण पर्याय का चिंतन करते हो तो वे परवश हो गए। क्या क्या लिखा है, परवश, परवश समझते, पराधीन होना चाहिए, क्यों तुम्हें परवश होना है, पर के कंट्रोल में रहना है। मैं ऐसा लिखा है, द्रवगुण पर्याय का चिंतन करने वाले मुनिराज मानो परवश हो गए। परवश तो बहुत बुरी चीज है ना, पराधीन हो जाना। ऐसी यहाँ पर यह विरुद्ध शब्द है, ऐसी शुद्धात्म द्रव्य विरुद्ध कथा कैसे होंगे दिगंबर मुनिराज, कितने शुद्ध प्रयोग के निकट रहना चाहते हैं कि यदि चर्चा करते भी है ना तो शुद्धात्म द्रव्य की चर्चा करते हैं। दिगंबर मुनि भगवंतों में अध्यात्म की कैसी गहरी गहरी चर्चा होती होगी, नहीं तो उसका नाम भी। और एक थोड़ी सूक्ष्म बात करो, ध्यान से सुनना सभी लोग, मैं फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जहाँ शुद्धात्मा के विरुद्ध कथा ही नहीं सुनना चाहते, अर्थात स्थूल चर्चाएं नहीं करना चाहते आगम की, वे दिगंबर मुनिराज आहार की, समाज की, देश की, मंदिर निर्माण की, फला फला पैसा इकट्ठा करने की स्कीमों की चर्चा कैसे सुनेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे। बस ये लाइन पढ़ाना चाह रहे, पढ़ो, संभव ही नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पे। शुद्धात्मा के विरुद्ध कथा भी कथा है, समझ में आ रहा, कुछ नहीं आ रहा है। दिगंबर मुनिराज को शुद्धोपयोग चाहिए, भक्ति की कथा भी कथा है, निर्माण आदि की कथा, घंटों घंटों मीटिंग करने की कथा, चर्चा वार्ता, ये सब भी कथा है। देखो क्या लिख रहे, पढ़ लेना बिल्कुल, ये सातों पॉइंट पढ़ना, आगे मैं पढ़ रहा हूँ। मुनिराजों के लिए प्रतिबंध निषिद्ध है, तात्पर्य है कि इनके संबंध में किए जाने वाले विकल्पों से भी चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। अगली पंक्ति देखो, वस्तुतः, ध्यान से सुनना, ध्यान से, वस्तुतः वास्तव में सचमुच में अशुद्धोपयोग छेद है। अशुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग छेद का मतलब पुण्य और पाप अशुद्धोपयोग के भेद है, शुभ भाव अशुभ भाव। नमोकार मंत्र पढ़ने का भाव क्या है, कौन सा भाव है, सुनाई नहीं पड़ा मुझे, अरे नहीं, कौन सा भाव है, अरे अशुद्धोपयोग, द्रवगुण पर्याय का विचार, जोर से बोलो, अशुद्धोपयोग। अब समझ में आएगी मुनिराजों की महिमा क्या है, इसलिए फिर अशुद्धोपयोग छेद है, क्योंकि उससे शुद्धोपयोग रूप श्रामण्य का छेदन हो जाता है, नष्ट हो जाता है, और वह अशुद्धोपयोग ही हिंसा है। हिंसा है, मुझे सुबह शुभ भाव है ना, शुभ भाव, शुभ भाव, मुनिराजों को अशुभ भाव था, मुनिराजों को अशुभ भाव तो आता ही नहीं, लेकिन जो शुभ भाव है ना वो हिंसा लिख रहे हैं यहाँ पे, हिंसा है, क्योंकि उससे शुद्धोपयोग रूप श्रामण्य का मुनिपने का, श्रामण्य का माने आनंद का घात हो जाता है। अच्छा, मैं दिगंबर मुनिराज के नाम पर आपको क्या तस्वीर बनती है, दिगंबर मुनि भगवंत माने प्रचुर स्वय संवेदन, आनंद का दरिया उछलता है, जैसे स्वामी जी कहते हैं आनंद का दरिया उछलता है, ऐसे उधर शुद्धोपयोग को देखो तो समझ में आई बात। आगे, इसीलिए अशुद्धोपयोग बिना नहीं होने वाली
अशुद्धोपयोग बिना नहीं होने वाली शयन आसन स्थान गमन आदि क्रियाओं में असावधानी पूर्वक आचरण चलते असावधानी पूर्वक आचरण अशुद्धोपयोग होने से हिंसा, जल्दबाजी में आहार कर लेना, बिना देखे आहार कर लेना, आवेश में आकर के ग्रंथ को विराजमान कर देना, उठा लेना, ये सब अशुद्ध उपयोग में। धारावाही क्या लिख रहे? धारावाही समझते? धारावाही क्या होता है? कंटिन्यू हिंसा है जी, कह रहे नहीं समझ में आया। जैसे ये मैंने उठाया और लापरवाही से रख दिया, तो हिंसा कितनी देर तक चलेगी? ये एक सेकेंड कितनी देर चलेगी? एक सेकेंड। धारावाही कब तक चलेगी? कि जब तक बाबा से दोष मिटे नहीं और शुद्ध उपयोग हो नहीं तब तक। सूक्ष्म बात चल रही है। और पढ़ो, छेद से अनन्य ही है, छेद रूप ही है, छेद से भिन्न नहीं है। ओहो, 28 मूल गुण के अलावा यदि और कोई क्रिया हो, प्रवृत्ति हो, मन वचन काय हो, तो कंटिन्यू हिंसा 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 अशुद्ध उपयोग ही है, मुनिपना नहीं है। ऐसी सूक्ष्म बात है। नीचे देखो, आगम में एक पैराग्राफ छोड़ करके, आगम में मिला, आगम में बताई गई विधि के विरुद्ध आहार, आगम के विधि के अनुसार बताई गई विरुद्ध आहार विहार आदि से, तो विहार आदि तो पहले से ही निषिद्ध है। क्या बोला? आगम के विरुद्ध आहार विहार का तो पहले से ही त्याग है, तो उस छेद की बात नहीं चल रही। सूक्ष्म बात आ रही थोड़ी सी। आहार विहार में जो उन्होंने पहले त्याग किया उसकी उस वो तो करते ही नहीं है। लेकिन आगे बड़ी सुंदर बात है यहां, तो ये कह रहे हैं, पढ़ो, कि योग्य आहार विहार आदि में भी ममत्व करें, योग्य में, सही में, निर्दोष में, उसमें भी उनको दोष लगेगा यदि ममत्व करेंगे तो। है तिकी तिकी बात है। सरल है, बहुत सरल है, बिल्कुल सरल है, बहुत सरल है। दृष्टांत को तो दे देते, बढ़िया दृष्टांत। देखो, बीमार हो गए आप, तो आपको दवाई खानी है, ठीक है? तो आप ये बताओ, और किसी मरीज की दवाई खाते हो आप? और कोई रोग की दवाई खाते हो? वो तो खाते ही नहीं, उसका तो त्याग ही है। जो रोग है उसकी दवाई खाते हो, तो उस जो अपने रोग की दवाई खाते हो उसमें क्या मान के खाते हो? अति पुण्य उदय मम आया, ऐसे खाते हो क्यों? मीठी मीठी दवाई खुश होकर खाते हो, हे भगवान ये रोग कभी नहीं मिटे, ऐसी टेबलेट सदा चूसता रहूं। माने दूसरे रोग की दवाई तो खाता ही नहीं हूं, और अपने रोग की दवाई खाते समय भी कैसा लगता है बोलो? ऐसे दिगंबर मुनि भगवंतों को जो आगम विरुद्ध आहार विहार है उसका तो सर्वथा त्याग है। लेकिन आगम विरुद्ध समझ गए, 46 प्रकार के दोष लगा करके उद्दिष्ट आहार आदि का बहुत लंबी चौड़ी है। यदि कहूँ उसे समझाऊंगा तो फिर बहुत समय लग जाएगा। ऐसी गजब गजब बात है। एक गरीब घर में बहुत बढ़िया बासमती चावल की खीर बनाई, मुनिराज ने एक ग्रास ले पाए और फौरन अनुमान लगाया कि इतने गरीब घर में इतना महंगा चावल, इतना महंगा दूध कैसे बनाई होगी इसने। फौरन अंतराय मान करके बैठ गए, क्यों? जरूर इसने उधार चावल लिए होंगे। लिखा है अपने कम कीमत के चावल देकर, कम कीमत से समझ गए, और अधिक कीमत वाले बढ़िया चावल ले लिए, काय के लिए? बढ़िया खीर बनाने के लिए। हमारे घर में दूध कम था, दूसरे से दूध ले लिया। घर में 10 मेंबर है, छोटे छोटे बच्चे हैं, गरीबी दिखाई दे रही है, इतना दूध कहां से आया होगा? या तो मांग के लाए होंगे या इन बच्चों को नहीं दिया गया होगा। दिगंबर महिलाएं वो खीर नहीं लेते, कितना विचार करते होंगे। यदि मैं 46 दोष बताऊं ना आपको, बहुत। यदि कोई आइटम घी वगैरह अलमारी में बंद रखा है, अलमारी में शक्कर रखी है, कुछ आइटम रखा है जो भी, और आहार देते समय उसकी जरूरत है, तो आप उनके सामने अलमारी में से निकाल के नहीं दे सकते।
यदि अलमारी में से निकालोगे तो उद्दिष्ट आहार हो जाएगा, वो छोड़ देंगे। कितनी पढ़ना है ये 46 दो, मैं तो एक किताब दिखाना चाहता हूँ। ये किताब दिख रही है आप सबको? एक है आपके पास? नहीं है ये वाली? जिनाम नाय में मुनि धर्म का स्वरूप, क्या नाम है इसका? ये सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं, 100-150 प्रतियां हैं अपने पास। आप इसको प्रत्येक बच्चा पढ़े, प्रत्येक इसको ले लो और पढ़ के देखना। इसको बहुत जोरदार खुलासा किया। अच्छा जी, पूरा जो मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ ना, इतनी मोटा ग्रंथ में कैसे पढ़ाऊंगा आपको अभी, लेकिन आप पढ़ सकते हैं, सरल भाषा में इसमें है, आप पढ़ना। चलिए आगे देखो। हाँ, फिर से यहाँ तो ये कह रहे हैं, एक बार फिर से पढ़ो। आगम में बताई गई विधि के विरुद्ध, रुको रुको रुको, आगम में बताई गई विधि के विरुद्ध, इसमें दो तीन शब्द दिख रहे हैं, इसमें बहुत लंबी चर्चा है, साल भर करें तो कम है। कैसे कैसे आहार को विरुद्ध आहार माना गया, 32 संतरा 46 दोष रहे श्रावक के घर, नवदा भक्ति पूर्वक, दातार के 7 गुण पूर्वक, बहुत बहुत एक एक चीज पढ़ानी पड़ेगी इतने इतने शब्दों में, जैसे दिगम्बर मुनिराज पढ़ गए जाए और आप यहां से खड़े हो जाओ, मुनिराज चले जाए, आप नमोस्तु नहीं बोल पाओ चले जाए, आप गंधोदक नहीं लें मुनिराज चले जाए। मैंने मैं थोड़ी खराब भाषा में कह रहा हूँ, उनके लिए नहीं, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। दिगम्बर मुनिराज माने वैसे तो चलते फिरते सिद्ध हैं, जिनके घर आंगन में उनके आहार हो जाएं, वे महा 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 धन है वे जीव, महाभाग्य होता है जिनके घर में उनके आहार हो जाएं। लेकिन अब मैं खराब भाषा में कहना चाहता हूँ, लेकिन वे ऐसे रूठे हुए बालक की तरह हैं, दृष्टांत हो रहे, रूठे हुए जिनके नखरे 1000, नहीं समझ में आया? रूठा हुआ बालक देखा कभी? रूठा हुआ बालक, मम्मी बहुत मैं बेटा रोटी खा ले, अच्छा पापा से कहेंगे साइकिल दिलवा दो, बेटा टॉफी दे, कितने ना करें, अच्छा टीवी देखा चलो ले। मैं मम्मी कितने उपाय करती जब उसको खिला पाती। ऐसे दिगंबर मुनिराजों के 46 दोष 32 अंतराय और दातार के 7 गुण, नवदा भक्ति, ये सब पूरा लिस्ट है बड़ी, इतने इतनी इतनी बातों में आप सावधान हो, आहार शुद्ध, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, जहां आप आहार करा रहे हैं ना, चींटियां नहीं होनी चाहिए, लाइट नहीं जलनी चाहिए, क्या क्या कहें आपको। यदि तुम रात्रि भोजन करते हो ना तो मांसाहारी हो, आहार नहीं दे पाओगे, देखा हुआ आपने, इसलिए प्रतिज्ञा कराते पहले, प्रतिज्ञा है कि नहीं, श्रावक हो के नहीं, असंयमी के हाथ का आहार नहीं लेते, तम्बाकू खा रहे हो तुम्हारे दांत भिड़े आहार नहीं लेंगे। तुम्हारे घर में यदि वो काली सीढ़ी लगी हो ना, काली सीढ़ी, काली सीढ़ी समझते हो भैया, तुमने नीलाई में लगवाई है, मैंने उधर में गया साइड में देखा, हरी या काली सीढ़ियां लगा दी, दिगम्बर मुनिराज प्रवेश नहीं करेंगे, क्यों? काली जीव नहीं दिखाई देंगे, बारी बारी जीव दिखाई नहीं देंगे, लाल पत्थर लगाओ, काला पत्थर लगाओ, हरा लगाओ, नीला लगाओ, जीव नहीं दिखाई देंगे। ये मैट बिछाई रखी थी ना मैट, ये मुनिराज नहीं पधारेंगे। और तुम्हारे घर में एसी वाला कमरा है, एसी बिल्डिंग, पर्दे क्या क्या लगा रखे हो, सोफा सेट, जगह ही नहीं, कहीं प्रवेश नहीं कर सकते हो। कितनी, अरे आप समझे कितनी बातों का मिलान बैठता है, तब जाकर के एक मुनि भगवंतों का आहार होता है। पढ़ना सभी लोग, इसमें पढ़ लेना है, सब मिलेगा। क्या बात चली? आवास में, प्रवास में, आहार में, उपवास आदि में भी प्रतिबंधित नहीं है, हम कल ही उपवास करें ऐसा नहीं है, हम उसी जगह बैठेंगे, ये कोई प्रतिबंध नहीं, जहां स्थान में जाओ बैठ जाए। अभी तुम एक काम करो, तुम अभी सीट नक्की करो, अब तुम गुस्सा हो गए। सोहनगढ़ में इस मामले में मुझे बड़ी परेशानी होती थी, मैं ऐसे ही बच्चा था छोटा सा, जब पहली बार गया, ये तो बड़ा छोटा है थोड़ा, मैं 16 साल का था, तुम कितने साल के हो? 18, तो तुमसे भी छोटे थे, 16 साल के। 80 में पहली बार गए हम, तो मेरी तो आदत थी सबसे आगे बैठने की, हम 15 मिनट पहले जाके सबसे आगे बैठ गए, पहले से जाके 15 मिनट पहले ही गुरुदेव के प्रवचन की गादी पर बैठने के 15 मिनट पहले ही। तो पहली बार जिंदगी में देखा कि वहां सीट बुक होती थी,
सीट बुक समझते हो, सीट बुक, वो सब अपने अपने रुमाल बिछा जाते थे। तो पहली बार देखा हमने सीट बुकिंग, हमने जिंदगी में कभी देखी नहीं सीट बुकिंग, अब सबके रुमाल बिछे, हमने बिछे होंगे, हमें कहां मतलब, हम बैठ गए जाके बस। अब ये भी जितते आए सर को हमारा रुमाल, हमारा रुमाल, हमारा रुमाल। अब एक वहां सर के, दो वहां सर के, तीन वहां सर के, चार वहां सर, गोस्था में हम पीछे बैठ गए, हमें पता नहीं कितनी बार सरकना पड़ेगा, इतनी परेशानी हो रही। मैं काय के लिए कह रहा था, यार स्थान का प्रतिबंध होगा तो यहां से दुखी होगे। अभी तुम कहीं बैठ गए, हमने ये बुला लिया, चलो उठ पीछे बैठ जा, पीछे बैठ जा। लेकिन अभी मान के बिठा दें तो ए उठ पीछे बैठ, मुझे पीछे क्यों बिठाया, आगे क्यों नहीं बैठ सकता, ये पैसा वाला इसे बिठा दिया, मैं गरीब हूं मुझे नहीं बिठाया। दिगंबर मुनि भगवंत का ऐसा कुछ नहीं है, जहां स्थान मिल गया वहीं शुद्ध उपयोग, जहां शयन करने का स्थान मिल गया वहां शुद्ध उपयोग। क्या कहूं आपको, जितने पॉइंट लिखे ना सात, सर्वत्र शुद्ध उपयोग ही है। बस करो कठिन है कि सरल, ये पढ़ के बता देना, कठिन है कि सरल बता देना, और नहीं तो मैं कहूं तो सरल, सही बताना। राष्ट्रपति अवार्ड मिल रहा हो तुम्हें तो तुम गुस्सा होगे कि प्रसन्न रहोगे, कहीं जगह मिल जाएगी वहीं प्रसन्न रहोगे या नाराज होकर भाग जाओ, मैं नहीं करूंगा, मैं इधर क्यों बिठाया, मुझे मंच पे बुलाना चाहिए, करोगे बोलो। अरे एक ही बात का आनंद आ रहा है, काहे का राष्ट्रपति अवार्ड, पूरे वर्ल्ड में ओनली नंबर वन सुपर स्टार सुमत प्रकाश, नहीं आनंद नहीं आएगा आपको? आप अपना अपना नाम लगाओ बोलो, भोजन करते समय क्या लगेगा आपको, आनंद ही आनंद, काय का आनंद, मां अवार्ड का आनंद है। ऐसे ही दिगंबर मुनि भगवान तो इस गाथा में क्या कह रहे हैं, एक शुद्ध उपयोग का आनंद है। ध्यान देने की बात है, अगला पेज पढ़ के बस अपन पूरा करते हैं, कल 217 नंबर की गाथा से शुरू होगा, मुझे इसने समझाना है भैया, कल अच्छे से और समझाना है। ध्यान देने की बात है, मिला मिल गया, ध्यान देने की बात है, अगले पेज पर है 416 नंबर पेज। ध्यान देने की बात यह है कि जब असन अनसन गिरी गुफा के निवास आहार के लिए बिहार, देह मात्र परिग्रह है, माने देह तक परद्रव का प्रतिबंध लगता है, क्या लिख रहे हैं, तत्व चर्चा के लिए परिचय और बोलना, तत्व चर्चा के लिए बोलना भी ये भी निषेध है, तब देह पोषण के लिए, देह के पोषण के लिए आहार आसन, प्रतिष्ठा के लिए आसन, भीड़ भाड़ वाले स्थानों में निवास, अनावश्यक अनावश्यक जरूरत नहीं है फिर भी अनर्गल विहार, मुनि दशा में पूर्णतः अस्वीकृत परिग्रह, पैसा आदि, मकान दुकान बैंक बैलेंस मोबाइल लैपटॉप, मुनि दशा में सर्वतः पूर्णतः अस्वीकृत परिग्रह, अज्ञानी अवृत्तियों से घना परिचय, अवृत्ति अज्ञानियों से, नेताओं से, अज्ञानियों से, असंयमियों से, ग्रस्तों से घना परिचय, और व्यर्थ की कथाओं से मनोरंजन, ये सब मुनि दशा में कैसे संभव है। ये तो एक काम करो, बहुत सरल है ये, सरल कठिन नहीं है ना, अब पढ़ लेना, मैं अंतिम बात कह के पूरा करता हूं, करूं बता दें, बहुत सरल है इसमें, एक इतनी सी भी कठिनाई नहीं है। जब आपके जीवन में विजन होता है ना, आप किसी और भी कथा में नहीं पढ़ते, सही बताए ना, आप में किसी का बिजनेस है, बिजनेस दुकानदारी है कोई की? है, और अक्षय तृतीया की दुकान चल रही हो, अक्षय तृतीया समझते हो, अक्षय तृतीया की दुकान चल रही हो, उस दिन तुम्हें कितना अच्छा लगता है जब मित्र आ जाए बैठे बातें करें, लगता है अच्छा बोला, आप अच्छे से अच्छे मित्र आ जाए भैया, जय जिनन तक क्वेश्चन नहीं उठाते, हाथ तक नहीं उठाते, ऐसे शुद्ध उपयोग में मग्न ग्राहकों में डूबे हुए हैं, सोने चांदी हीरा माणिक मोती, ऐसे करता रहे। अब भैया हम तुम्हारे समझी है, चूल्हे में जाओ तुम, क्या हुआ है तुम्हें पता नहीं, इस समय आना चाहिए, मैंने कौन अच्छा लगेगा उस समय, बोलो बोलो कौन अच्छा लगेगा,
उस समय हमें कुछ अच्छा नहीं लगता ऐसे शुद्ध उपयोगी मुनिराजों के लिए। मैं बताऊं, मेरे पास से कोई फालतू लोग आते हैं ना, मैं बात थोड़ी करता, मैं ही नहीं करता, आप भी नहीं करते। फालतू की बातें करें आप क्या करोगे, बैठे रहोगे फालतू सुनते, काय की बातें कर। जितने लोग आएंगे वे काय की बातें करेंगे, पंडित जी तुम मजे में हो हम दुखी हैं। हमें ये तो पहले ही पता थी, हमें कोई नई बात बताओ। पंडित जी आप अच्छे बच गए, जी बस बोलो, रिपीट नहीं करो, तुम तो मूल बताओ का कहना चाह रहे। हमारी मोड़ी बन गई, बढ़िया बनी, अच्छी बनी, हम का खरीद जाने। मैंने एक एग्जाम्पल बिजनेस की सुनाएंगे, फला की सुनाएंगे, इधर उधर की सुनाएंगे, कची नहीं तो जीएसटी की सुनाएंगे, कची नहीं तो कर्नाटक के समाचार सुनाएंगे। अभी तुम्हें कोई आएगा तो आईपीएल का समाचार सुनाएगा, या चूल्हे छोड़ बाहर में जाओ, जिन्हें सदुपयोग करना भी काफी चक्कर पड़े, पॉइंट पकड़ में आएगी नहीं है। मैंने जिसके पास विजन है, कल तुम्हारा पेपर है, आज कौन सी बात करोगे, चाहे मेहमान आ चाहे कोई आ, कोई बात नहीं। ऐसे जिनको सदुपयोग करके अल्प काल में केवल ज्ञान लेके मोक्ष जाना जिनका विजन है, वे ग्रस्तों के सन्निकट नहीं रहते, उनसे बात नहीं करते, मौन धारण रखते हैं, भी कथा करे एक सेकंड में चुप, ये भी नहीं सोचते सेठ जी को क्या लगेगा, सेठ जी को क्या लगेगा उनकी बेजाने। हमें ये लगता है कि हम ज्ञायक हैं और सेठ जी भी ज्ञायक हैं, समझ जाए तो ठीक, नहीं समझे तो कोई बात नहीं। अब तो समझ में आया, सरल ही कठिन है ये तो, कोई से बोले ही नहीं, अरे बोलने की जरूरत क्या है, समाने की जरूरत है। इस एंगल से पढ़ना इसको, ओम नमः शिवाय।